नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे होम टाइम की जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो ऑनगोइंग वेब सीरीज चल रहा है घर सेट है, तो उसका तीसरा और चौथा एपिसोड का जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। और आप जानते हो इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में आसिफ खान काम कर रहे अंजलि बैरट और अतुल श्रीवास्तव जैसे कलाकार आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो पहला दो एपिसोड का मैंने रिव्यू किया था और दर्शकों से काफ़ी ज़्यादा जो है अप्रिसिएशन मिला कि ये बहुत ही बढ़िया एक वेब सीरीज बनने के लिए जा रहा है। तो मैंने सोचा कि तीसरा और चौथा एपिसोड भी मैं जब देख चुका हूँ तो इसका भी आपके लिए एक रिव्यू किया जाए। दोस्तों, इस पर्टिकुलर सीरीज़ की अगर मैं चार एपिसोड के मुकाबले कहूँ तो तीसरा एपिसोड जो है वो एपिसोड बहुत ही कमाल की एपिसोड है। इस एपिसोड के अंदर में एक्चुअली दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे आसिफ खान का जो शादी जो है वो टूटने की कगार में खड़ा हो गया है, क्योंकि उसका शादी के दिन उसको पता चलता है कि उसका कंपनी जो है वो बंद हो गया है और उसका नौकरी जो है वो बेसिकली बेरोजगार बन गया है। तो अब वो शादी करने से पहले लड़की को दिया हुआ वादा और या फिर लड़की से निभाता हुआ अपना सारे जितने भी मतलब वो कभी वो झूठ नहीं बोला, ये सब सारी चीज़ को वो मतलब दोहराते हुए ये सोचता है कि शायद ये शादी नहीं हो पाएगा अगर वो बोल देता है, लेकिन फिर भी वो दिल पे पत्थर रख के शादी के मंडप में पहुंच जाता है और फाइनली उसका शादी हो जाता है। लेकिन शादी होने से पहले का एक छोटा सा मोमेंट है जब वो रो पड़ता है और उसका जो दोस्त है वो उसको बाथरूम में ले जाके समझाता है कि भाई तू शादी कर ले, मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को रोना शोभा नहीं देता है। तो वहाँ पर आसिफ खान का एक छोटा सा एक सीन है जहाँ पर करीब 5 मिनट का 3.5-4 मिनट का लेंथ है, वहाँ पे मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द किसे कहलाता है और बी अ मैन किसको कहना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ही कमाल का एक डायलॉग्स है और उसके ऊपर कमाल का डिलीवरेशन है, बहुत ही कमाल का एक्टिंग है, बहुत ही बढ़िया तगड़ा डायलॉग जो है वहाँ पे लिखा गया और बहुत दिन बाद ऐसा कुछ जो है जो मर्द को फेवर करता हुआ ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे वो वाला पोर्शन। उसके बाद अगर चौथा एपिसोड की बात करें तो चौथे एपिसोड में कहानी आगे बढ़ते हुए घर तक पहुँचती है जब वो शादी करके अपना वाइफ जो है उसको लेके वो घर आता है और आने के बाद एक ही रात में उसका जो थिंकिंग है, उसका जो मतलब सोचने का जो तरीका है वो कंप्लीट बदल जाता है और उसका पापा जो है अतुल श्रीवास्तव जो है वो सोचने लगता है ऐसा क्या हुआ, बहू ने ऐसा क्या पिला दिया रात को कि अचानक मेरा लड़का जो है वो बदल गया है। लेकिन एक एक चीज़ और एक सीख जो इस पर्टिकुलर सीरीज से मिलती है कि देखो, आपका काम भले आपको पसंद ना हो सकता है कि आपका कंपनी आपको पसंद ना हो सकता है कि आप अपना कंपनी आपको निकाल दिया हो या फिर कुछ गलत आपके साथ किया हो, फिर भी अगर आप अपने काम से आपको लगाव है तो हो सकता है नौकरी जाने के बाद भी आप उसी निष्ठा के साथ ये काम को करें। ऐसा एक सीक्वेंस बनता है जहाँ पे वो जाता है ससुराल में, जाने के बाद वहाँ पे उसका जो एक साला आता है और आके वो बहुत मतलब बहुत फेंकता है बेसिकली, और वहाँ पे जाके उसका जो नॉलेज है वो ट्रैवल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उस नॉलेज के हिसाब से वो ऐसा एक प्रेजेंटेशन देता है, सारे जो ससुराल वाले हैं और उसकी वाइफ जो है बहुत मतलब प्राउड फील करता है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि नौकरी जाने के बावजूद भी वो अपना काम को लेके कितना ऊँचा सोचता है वो इस चीज़ के अंदर में दिखाया गया। तो दोनों एपिसोड बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत ही तगड़ा इसके अंदर में परफॉर्मेंस वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे और सोशल मैसेज काफ़ी बढ़िया है अगर आप इसको इन डेप्थ अगर इसको देखो तो मेरे लिए तो बहुत ही डिसेंट एक वेब सीरीज साबित हो रहा है अब तक जितने भी चार एपिसोड मैंने देख लिया है। हाँ, डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा हिलेरियस कॉमेडी, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ तड़का है नहीं, बहुत सादा सिंपल सा कहानी है लेकिन उसको बहुत अच्छा तरीके से इसको मतलब आप बोल सकते हो इसको निभाया जा रहा है। और अब तक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो डेफिनेटली सारे कलाकार जो भी यहाँ पे है, आसिफ खान तो हो गए या फिर अंजलि बैरट है, सबका अतुल श्रीवास्तव का सबका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देख लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब में अवेलेबल है, होम टाइम की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे। देख के मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वेब सीरीज़ और अगर ये वीडियो से कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।